Yo, hey guys, hello DigiCross boys, welcome back to another gameplay video. So guys, आज हम लोग खेल रहे Granny 1, Granny 2, Granny 3, Granny 4, Granny 5, Granny 1 से लेके Granny 10 तक जितने भी गेम्स हैं, उन सारी गेम्स को खेलेंगे एंड आज हम लोग उन सारे भूतिया घर से एस्केप करने वाले हैं। तो अब इन सारे गेम्स को खेलने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। पहले तो इन गेम्स को ढूंढना और इन गेम्स को जो कि एस्केप करना बहुत ज्यादा मेहनत लगी। तो बस मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको एक सेकंड भी लगेगा इस वीडियो पे लाइक का बटन दबाने में, तो प्लीज दबा देना। और ये जो सब्सक्राइब का ग्राफ देख रहे हो तुम लोग, ये 86% लोगों ने हमें यार सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उस पर तुम लोग ग्रेनी का जो कि डंडा है जोर से मारो या फिर गेंद पैक का शॉट गन लेके उसको तोड़ दो, मुझे नहीं पता, बस लिख होना चाहिए, बस सिलेक्ट होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट डिजिटल गेमिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। और राइट, ग्रेनी वन से स्टार्ट करते हैं हमारी पुरानी प्यारी ताजा यादें ताजा करने के लिए। और राइट, डे वन, एक और नया सुहाना दिन ग्रेनी के उस घर में, गटिया से बंगार हाउस में। और अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे किताब दिख रही है, उस किताब को लेके सुपर ग्रेनी के पास चलते हैं, यानी कि ग्रेनी की सौतेली दादी या फिर सास माँ पर दादी जो भी है, चलो उसके पास चलते हैं। और ये मैंने किताब यहाँ पर रखी और ये इसको दोहरे पढ़ने चलोगे, ग्रेनी वहाँ पे फाफा मर रही है, मैं यहाँ पे ग्रेनी और ग्रेनी नमस्कार देख लिया, ये टकली गंदी क्या पकड़ेगी मुझे। सबसे पहले ग्रेनी के बाथरूम में देखते हैं, अरे रे यार, तो ग्रेनी के बाथरूम की बहुत ज्यादा गंदी बदबू कह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मुझे लगा कोई सामान होगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते हैं फटाफट से। और राइट, मुझे यहाँ पे कार की मिल चुकी है, लेकिन ग्रेनी यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ रही है, अबे गंजी टकली गई की पीछे से जोर से। और राइट, मैंने कार की क्या यूज किया और यहाँ पे मुझे हथौड़ा मिल चुका है, एंड हथौड़े के हमें तीन तीन काम करने हैं, तो चलो फिर हम लोग इस हथौड़े के तीन तीन काम फटाफट से करते हैं। पहला तो ये वाला प्लैंकटन है, एंड इसके बाद ये ऊपर वाला प्लैंकटन है, एंड इसके बाद ये नीचे का डोर का प्लैंकटन है, डोर एस्केप करना है ना। और राइट, यहाँ पे मुझे सुपर ग्रेनी ने ये नीचे की की दे दी है, तो चलो फिर इसका लेके फटाफट से ये सेवर एस्केप वाला खोलते हैं। और यहाँ पे सुपर ग्रेनी अब स्पाइडर बन गई होगी और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फिछवाड़े में लग गई है अपनी छलांग मारी। ओ ये बॉय की मिल गई, हम लोग जय श्री राम बोल के ग्रेनी की छाती में मार गया और ये गटर की नाली में आ चुकी है, यार बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, हटा हटा जल्दी। और राइट, में यहाँ पे तीर का ले लिया, आप ग्रेनी की जगह गुद्दी फोड़ देंगे हम लोग, ये ग्रेनी और टकली गंजी कहीं की बुड्ढी, वैसे तो हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ग्रेनी ने हमें डंडे मार के बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए बड़े दिनों के बाद हम इसके घर में आए, तो खातिरदारी तो करेंगे नहीं। ग्रेनी वेयर आर यू, ये रहे है, सीधा जय श्री राम बोल के छाती में मार दिया और ये ग्रेनी की कमर बहुत टूट गई होगी, सीढ़ियों पे जगह बहुत ज्यादा गुद्दी तोड़ मार की हमने, इसकी बैर हो जाती, इसकी भैंस ही डांग, अब यार तीर तान करते। और राइट, अभी हम लोगों को स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ये मेरा निशान हमारा पट्टी से, ये और ये मिल गया, स्क्रू ड्राइवर नीचे यूज करते हैं। और राइट, सीढ़ियों के नीचे हमें प्ले हाउस की मिली है, प्ले हाउस से प्ले हाउस खोलते हैं एंड आगे चल रहे हैं। और ये देखो मुझे क्या मिला है, बर्ड का खाना, यानी कि उस कौवे का खाना ही है, चलो उसे खिलाते क्या मिलता है। और राइट, हमने ये कौवे का चारों रख दिया और ये कौवा बहुत ज्यादा खतरनाक है, मारता है यार इसकी भैंस की टांग। और ये मुझे कटिंग प्लाई मिला और यहाँ पे मुझे एक चक्री मिली, दूसरी चक्री लेके आता हूँ और ये दूसरी चक्री मिली और मुझे यहाँ पे मास्टर की मिल चुकी है, मतलब डोर खोलने का एक रास्ता, तो मतलब एक की चाबी मिल चुकी है, अभी हमें पेडलॉक की चाहिए जिसको लेके हम लोग इस डोर को ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रेनी मुझे नहीं दिख रही, इसको यही पे फेंक देते हैं। वैसे कितने लोग यहाँ पे मुझे कटिंग प्लायर का यूज करता हूँ, ये वायर नीचे ऊपर का तो काट लिया और यहाँ पे जाके हम लोग ये वाला वायर भी काटते हैं ताकि हम लोग इसके एस्केप कर सके, ये बॉय हो गया ना काम हमारा। और राइट, अब यहाँ पे बीच हैंडल मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे ग्रेनी सुपर ग्रेनी है, ये स्पाइडर वाला हमें परेशान कर, तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना है, दूर तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये मरता ही नहीं है, अमर पल खा के आया है ना ब्रो यार। और राइट, मैंने इससे तरबूज निकाल दिया, अब तरबूज हम लोग काट के मस्त खाएंगे रे बाबा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो यहाँ पे काटने का। और इसका अयो, इसको काटने का, और इसके अंदर पेडलॉक की मिल गई, ये बॉय ये पेडलॉक की मिल चुकी है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जाने से पहले ग्रेनी को एक हेडशॉट मारते हैं। और राइट, बंदूक मेरी तैयार है ग्रेनी, अब तुझे मैं क्योंकि डिजिकल हेडशॉट खाने के लिए तैयार हो जाए। वैसे किन लोगों की ये ग्रेनी वन फेवरेट है कमेंट में बताना, और अगर आप लोग इस वीडियो पे 5000 लाइक का कंप्लीट कर दोगे तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। और ये इसको छाती शॉट मार दिया रे, अब ये कभी उठ ही नहीं पाएगी, चलो हम लोग पेडलॉक की लेके उठ, यहाँ से रफू चक्कर होते हैं, बाय बाय दानी, अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, वैसे मिलेंगे बार बार, वापस आऊंगा तुम्हारे घर पे, लड्डू बड्डू तैयार रखना, लेट्स गो गाइस। ग्रेनी क्या था, उन्हें पत्ता काट दिया है और अभी इसने मुझे बहुत ज्यादा मारा, मुझे नूब साबित कर दिया, लेकिन आई एम द प्रो, हो गया नहीं पता नहीं यार, ये मुझे बहुत ज्यादा मारती है। और कहते यार मैंने पेडलॉक की से ताला तो खोल दिया, मास्टर की लेके यहाँ से एस्केप करते, ये फाइनली डोर एस्केप करिए ग्रेनी वन का।
वैसे कमेंट में बताना तुम्हारी कौन सी गिरेनी फेवरेट है। चलो ऑलराइट टाटा बाय बाय। ये टकली गिरेनी नल्ली छपड़ी बेरोजगार चप्पल चोर गई की बिना ढक्कन की बोतल। चलो फाइनल यार हम लोग निकले हो भाई तो इंड। ऑलराइट गाइस यार ग्रेनी चैप्टर वेलकम बैक। अब मजा आएगा। डे वन शुरू हो चुका है एक और नया सुहाना दिन ग्रेनी चैप्टर टू में। और राइट गाइस ये पुरानी यार ताजे यादें मतलब ताजा हो गई यार। कितना ज्यादा हम लोग मिस केले खेला करते थे। और राइट सबसे पहले ग्रेनी चैप्टर टू के रूम में से यहाँ से एस्केप करते हैं। यहाँ पे ये खतरनाक सा ट्रैप है ना जिसके अंदर हमें मारती है और ऊपर आते ऊपर ही पता नहीं क्या चाहिए। रसोड़े में क्या है जल्दी बता। यहाँ पे तो मुझे मिल गई यहाँ पे स्टन गन मिल गई। ये बल्ले बल्ले ओए सावा सावा ओए कत्थे जाने ओए ग्रैनी ये जोर का झटका कहाँ के मर गई। जोर का लग गया झटका। ए ग्रैंडपा तुझे बहुत आहा करने का शौक है ना। ये ले तेरे पे सीधा बहुत मजा आ गया ना। अब ये टकला ग्रैंडपा की चाबी ले लेते। ये चाबी मुझे दे दे डूड। अब इसके रसोड़े में देखता हूँ कि क्या का खाने का चीज हो गया। यार ये लोग कुछ खाता ही नहीं है कुछ भी खाने की चीज नहीं है। लेकिन एक बार इस रेडियो को बजाते हमारी पुरानी यादें ताजा। ये बोला ग्रैनी ये गाने में मुझे बहुत ज्यादा नाचे नहीं आता है मजा आ गया यार गाना सुन के। और राइट मुझे डोर का हैंडल मिल चुका है तो यहाँ पे भी हमें डोर एस्केप करना है। अगर पार्ट टू अगर आपको चाहिए तो उस पर हम लोग अलग एस्केप करेंगे। डोर हैंडल को यहाँ पे फेंकता हूँ और ये ब्रेंच मिल चुका है इसको भी यहाँ पे फेंकता है क्योंकि ग्रैनी के उस बेटे को भी मानना है ना। ए बेटे को मारूंगा मैं। अरे अरे मैं तो उसकी बैंड बजा दूंगा मस्त से ग्रैनी को घर। अरे यहाँ पे मुझे मिली है वीपन की। हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं ग्रैनी को। अभी हम लोग सरे हुए बाथरूम में आ चुके हैं लेकिन इस यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। भाई ग्रैंडपा कितना ज्यादा मूत्र देता है यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा स्मेल आती है। और राइट यहाँ पे विपन की रेडी कर दी है यानी कि शॉट गन इज रेडी। ग्रैंडपा वेयर आर यू। अरे यार किधर गए ये लोग भाई कुछ खाने बनाने तो गए। ये ला शोर शराबा कर दिया डीजे वीजे बुलवा दिया तुम लोग आ नहीं रहे हो कम ऑन मैन। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये बॉय तुम्हारा भाई यहाँ पे पुत्र खड़ा हुआ है पोता ये इंतजार कर रहे हैं। नानी नानी आहा मजा दिखा दिया दोनों को एक साथ डबल शॉट मार दिया ना ये बॉय। वेल डन तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ से फटाफट से निकलते और कुछ टीचर ढूंढते हैं। और राइट क्रोवर का यूज करके मुझे यहाँ पे कटिंग प्लान मिल चुका है यहाँ पे नीचे जाते हैं। और राइट मैं ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पे सबसे पहले इस वायर को काट लिया ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक डोर है ना इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा। ओके तो यहाँ पे मुझे ये ब्रेंच मिल चुका है। अब जो कि हम लोग डोर का ऊपर का हटाएंगे ये यहाँ पे लगाना है उसको और घुमाई के ये बॉय क्या आइयो हमने इसको घुमा डाला गंजी ग्रैनी और ग्रैंडपा को टपका डाला। आइयो अब हमको डोर हैंडल चाहिए और पेडलॉक ही चाहिए। आइयो यहाँ पे बाथरूम होता यहाँ पे ग्रैनी और ग्रैंडपा टट्टी करती हम लोग ब्रेंच से इसको खोलता जी। अब ग्रैनी का बेटवा हम इसको मारती जी। ये लो टकली क्या देख रहा है छापरे यूट्यूबर। ये जगह अपने ग्रैनी ग्रैंडपा का इंतजार कर रहा था लेकिन बेचारे को तो पचका दिया बिल्कुल पचके की तरह बेचारा हो रहा है। और ये क्या यहाँ तो मुझे लगा पेड़ लोग की मिलेगी नहीं यार। और ये सैलरी ना क्या देख रही है मुंह पर के मच्छर घुस जाएगा बंद कर मुंह। और राइट हम लोग यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं इस कटिंग प्लान से कह रहा और ये सैलरी का पति जो की बहुत ज्यादा बदबू मार रहा है जी नाक बंद करनी पड़ी मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ यहाँ पे मुझे ये सेफ की मिली है तो ये बॉय अब पेडलॉक की फाइनली यार मिल जाएगी। मुझे लगता है वहाँ पे नीचे जो सेफ की का यूज करने गए ना वहाँ पे हमें शायद पेडलॉक की मिल सकती है। लेट्स गो ब्रो यहाँ पे ग्रेनी नहीं है रास्ता एकदम साफ है। और ये लो पेडलॉक की मिल चुकी है और यहाँ पे हम लोग डोर एस्केप करके जाएंगे। ग्रेनी दद्द दद्दी मैं चला किसी प्यार की गली। और ग्रेनी ग्रैंडपा बाथरूम में तो नहीं छुपा ना। चलिए यार डोर हैंडल फटाफट से लेते हैं और यहाँ से एस्केप करते हैं बिना किसी चपर चपर किए। तो ये ग्रैनी टू का भी हम लोगों ने एस्केप कर लिया। ये बॉय टाटा बाय बाय भाग गए हम लोग फाइनली ग्रैनी टू एस्केप बॉय। अरे बुड्ढा बुड्ढी तुम लोग बस यही रात में जो कि मच्छर काटेंगे अंदर जाओ देखते रह जाओगे हम। ओए ग्रैनी मुंह बंद करो मच्छर घुस जाएगा अंदर। और राइट ग्रैनी थ्री हमारा फेवरेट और सबका फेवरेट। अब ग्रेनी थ्री के अंदर तो ये बुड्ढा बंदूक बहुत ज्यादा जोर से मारता है जब बंदूक बंदर। राइट तो ये बंदा भटकते ग्रेनी के उस सरे हुए गटिया से बड़े महल के अंदर आ चुका है। वैसे ग्रेनी ने बहुत ज्यादा सब कुछ हेलीकॉप्टर बेच के ये बड़ा महल खरीद लिया। ओह नो ग्रैंडपा सॉरी दत्ता जी आप सुन लिए क्या टकले। ए सॉरी टकले जी गंजा उठ जा चवर। देखो यार इस बातों पे मजाक नहीं उठाना चाहिए ग्रैंडपा बहुत गुस्सा होता है। डे वन
ना 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 जी डे वन और कहता है ये सर हुआ जेल के अंदर हमें किडनैप कर दिया हमेशा की तरह ये सोता रहता है यही पे और ये हम लोगों ने खोल दिया ये खुल जाए 10 साल लग जाएंगे 70 years later. और राइट 10 सालों के बाद हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे चमन जो कि यहाँ पे सोता रहता है ना चोमू कई का मोहित यही पे होता है और ये हम लोग दूसरा लॉक आ चुका है इसको भी खोलते फटाफट से वेर आर यू प्लीज डोंट प्लीव मत आ जाइए दादा अबे टकली ग्रेनी और टकला ग्रैंडपा किधर गया नल्ला चपड़ी कई का बेरोजगार गजब बेइज्जती है और इनकी भैंस की टांग ये फ्यूज मिल चुका है तो फ्यूज ऊपर यूज करना है वैसे रसोड़े में देखता हूँ क्या है किचन में कुछ भी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कुकर तो नहीं जला दे किसी ने ग्रेनी है यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसकी भैंस की टांग इसकी भैंस का बुलड़ा है सुअर की पूछ ये समझते क्या इनकी भैंस का टांग यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा काम की चीज मिल चुकी है ये बॉय विपन की मिल चुकी है तो अभी हम लोग फटाफट से विपन की लेके एक सेकेंड ये लिफ्ट काम करती है ना हाँ ये चिन्नी वाली लिफ्ट काम करती है इसके अंदर अच्छा हुआ जलते नहीं है वरना आग लग जाती काफी ज्यादा बेहतरीन होगा और राइट हम लोग विपन की यूज करते हैं यहाँ पे बुढ़ा नहीं सोया हुआ अच्छी बात है और ये बुड्ढे गिलर से अब तेरा टकला फरंगा रहे टकले पे मारेंगे इसको डिजिकल हेडशॉट अभी मजा आएगा ना भिड़ो हे किधर गया ये हेलो देख लिया क्या पीछे कौन आ रहा है ग्रेनी फैल रिया भाई ये बहुत खतरनाक बुड्ढा उधर से आ रहा है ये तीनों के तीनों मारना चाहते मेरे बहुत गंदी साजिश कर रहे ये लोग ये बहुत गंदा तारा सीन बुड्ढे ये ला बुड्ढे को तो बेहोश कर दिया और उसके तारे दिन में दिला दिए लेकिन ये ग्रेनी की तकलीफ हो दी मैंने अब इसकी बंदूक लेता हूँ और इसका मारूंगा और ये बंदूक ले लिया बंदूक लेके हम लोग इसके अंदर बंदूक की गोलियां भरेंगे उसके बाद हम लोग शॉट ऑफ डिजिग्रास मारेंगे और राइट हम लोगों को जनरेटर केबल मिल चुका है और यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्यूज उठा के ऊपर वाले उस जनरेटर के अंदर लगा देता हूँ ताकि जनरेटर काम करने लग जाए ओके तो फ्यूज मैंने लगा दिया और यहाँ पे मैं इन गमलों को पहले छोड़ के नीचे गिरा देता हूँ ये पानी के गमला है ना क्या पता किसी काम आ जाए ये एक सेकंड ये निशान एकदम परफेक्ट है तुम्हारे भाई का पबजी नहीं खेलता पन ओ ये कौवे के पास तो ये सिक्का है जो कि ट्रेन स्केप करने के लिए काम आता है तो इस बेचारे कौवे को आज ये छोड़ देते हैं वरना यार मैं इसको जो कि उड़ा डालता बेचारे कौवे पे मैं रहम करता हूँ मुझमें भी इंसानियत है ऐसा कि मैं जानवर पे दया करता हूँ ओ ये देखो प्लैंक मिल चुका है प्लैंक का यूज करते हैं और राइट मैं प्लैंक का यूज करके इस टूटे फूटे जगह से तो निकल रहा हूँ धीरे धीरे करके और ये देखो वहाँ पे हमें जाना है सैलरी ना मिलेगी सैलरी ना को आत्मा का शांति भी देनी है अबे आत्मा को शांति देने के लिए आ जाती है सेमड़ी कई की आ जाती है बीच में सेमड़ी हाँ परेशान करने आ जाती है सेमड़ी कई और राइट मैंने ये कोकोनट ये यहाँ पे मुझे सुसु लगा था सबसे पहले मैं सुसु कर देता हूँ कोई देख नहीं रहा है ग्रेन गेंदपा को मार दिया ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ ये सुसु कर दिया मैंने और प्लस भी कर दिया चलो फटाफट से निकलते यहाँ से और ये गमला जो कि यहाँ पे सबसे पहले फेंक देता हूँ एक गमला मैंने फेंक दिया एंड दूसरा भी जो कि ऊपर कहीं पेपर आया तो उस ऊपर वाले को लेके उसके बाद यहाँ पे फेंकता हूँ और यहाँ से स्केप भी फटाफट करना एक रैन पाई यहाँ पे आया था मैंने लेकिन गिलोर से इसका टकला फोड़ दिया फिर से ये बुड्ढा क्या इसकी भैंस की टांग इसका भैंस का बुछड़ा हाँ समझते क्या ब्रो तू मेरे को मारेगा मुझको क्या नूब ये लोग समझ करवाना चाहते हैं और ये गिटार बजा लगता है ग्रैनी भी आ रही है और राइट में ये ग्लास तोड़ देता हूँ ताकि इस ग्लास के अंदर देखता हूँ आखिर है क्या इस ग्लास के अंदर मुझे लगता है क्रोबार मिलेगा क्रोबार का यूज हम लोग दो चीजों पर कर सकते हैं एक तो ऊपर वाली जगह पे जहाँ पे सेलरीना की आत्मा को शांति देनी होती है वो सेमड़ी की हाँ उस सेमड़ी की आत्मा को शांति देने की होती है अरे ब्रो यहाँ पे मुझे मिली सेड की ये बॉय सेड की से हम लोग वहाँ पे केबल लगाएंगे और ये सेड की वाला दरवाजा खोल दिया और इसके अंदर हमें झटका देना है वो भी जोर का बिजली का ये क्या है भाई ट्रेन की थोड़ी ना करनी है ब्रो चलो आए अच्छा सेवड़ी गई की आ जाती है मुझे बार बार परेशान करने और ये नारियल फोड़ेंगे जय गणपति बापा बोल के जय गणपति बापा फोड़िया क्या निकला इसके अंदर सेब की मिल चुकी है तो सेब की हमें जो कि कहाँ पे यूज करना है मुझे पता है अच्छी तरह से यहाँ पे हमें ग्रैनी के खतरनाक आलिशान बाथरूम में एक सेकंड यहाँ पे कोई है नहीं और ग्रैनी ने मुझको मार मार के लंगा बना दिया है एक ग्रैनी तू मेरे को नूब बनाना चाहती है क्या मैं नूब बिल्कुल भी हूँ नहीं तू हल्के में ले रहा था मैं तुझको यहाँ पे मुझे टेडी मिल चुका है वो जो कि सेमड़ी का जो कि आत्मा को शांति देने के लिए है लेकिन मैं इसका यूज करने आ रहा हूँ और सबसे पहले ऊपर जाना होगा लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रैनी यहाँ पे आ रही है गाइस ना मुझे यहाँ पे धीरे धीरे जाना होगा ओ भाई ग्रैनी यहाँ पे आ गई थी मैं ऊपर चला गया फटाफट से और अभी मैं टेरी ले रहा हूँ ग्रैनी ऊपर नीचे से देख रही है ए तकले गंजी बुढ़ी है ये अब तू नहीं कह सकती आई देखे ऐसे झूला झूलाते ए फैमिली निकल जा अब तेरा यहाँ पे कोई नहीं बात हाँ,
अजय क्या बकबक कर रही है? अभी हम लोग क्रोबार का यूज करते, पता नहीं ये सेवनी क्या देगी हमें, कोई काम की चीज दे तो अच्छा होगा। देखते क्या दिया इसने, ये पता नहीं पेडलो की थी जो कि हमारे काम की नहीं है। और यहाँ पे मैंने प्लैंक यूज करके यहाँ पे हम लोगों को क्रैक मिल चुका है ब्रिज का, तो अब हम लोग ब्रिज स्केप कर पाएंगे। फटाक से हम लोग नीचे जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ग्रेनी और ग्रैंडपा को मजा चखाएंगे। ए टकली इधर आ, ए टकली सैवड़ी ये ला छाती साथ, तेरी भैंस का बुछड़ा। हाँ अभी बुढ़ा किधर गया? बुढ़े मैं तेरी माँ को पैर छू, तेरी माँ के पैर छू मैं, किधर गया? गलत मत समझ लेना, मैं बस अच्छा बोल रहा हूँ। ए बुढ़े वेर आर यू, अबे बुढ़े मैं तेरी गुद्दी फोड़ दूंगा, किधर बे कमर तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ए टकले इधर इधर, बहुत ज्यादा जुबा केसरी करता रहता है ये ना, जुबा केसरी बंद हो जाएगा। और ये केवल मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसका स्टार्ट कर दिया जर के जेट का, मशीन एकदम स्टार्ट होगी। ऊपर जाके बटन दबाना है, ये ऊपर गेट का बटन ओपन कर दिया, गेट खुल चुका है। और अभी हमें बस ब्रिज के बैग यहाँ पे लगाना है और इस ग्रेनी 3 के आलीशान सरे हुए बंगले से हम लोग फाइनली एस्केप करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। फाइनली ग्रैंडपा ग्रैनी बाय बाय टाटा, सी यू अगेन टाटा। यस फाइनली एस्केप कर लिया और ग्रैनी और ग्रैंडपा देख रहे हैं यहाँ पे बस तमाशा। जबरे क्या करते हो अबे प्रेम से? अरे वो भाग कर से क्या? तो इंड ओके, तो ग्रैनी वो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ग्रैनी फॉर खेलने वाले, काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये लाइट हाउस की तैयारी हो रही है और ये सुपर ग्रैनी हमारे पीछे पीछे आ रही है भैंस की टांग। और ये भाई पीछे ही आ रही है, हम लोग इससे बच बच के जंगल के रास्ते से यहाँ पे लाइट हाउस में चले गए और लाइट हाउस में हमें ग्रैनी ने डंडा मार दिया। और ये ग्रैंडपा भी यार ये मुंह देख के डंडा मारा, थप्पड़ मार दिया भाई, ये ऐसा कैसा है? और ये गेम तो हमारा स्टार्ट हो गया और अभी हमें फटाफट से यहाँ से कैसे निकलना है, ये तो बहुत इजी पीजी वाला गेम है दोस्तों। यहाँ से फटाफट से हम लोगों को ऊपर जाना है, ऊपर जाके हमें यहाँ पे लिफ्ट बटन ढूंढना है, तो लिफ्ट बटन से हम लोग लिफ्ट के नीचे जाएंगे और हमें एक डोर मिलेगा, वहां से एस्केप करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे ग्रैनी दिख नहीं रही अभी। ए नानी जी किधर आ? ए सुहाना दिन तो मुझे लग नहीं रहा, यहाँ पे ये काली काली रातें दिख रही है और ये सरा हुआ बेड दिख रहा है जिसमें चादर भी बहुत ज्यादा हजारों साल पुरानी चादर लगी हुई है। चलो यहाँ पे चाबी दे आओ, मुझे चाबी चाहिए, चाबी। ए चाबी किधर है ब्रो? मुझे यहाँ पे वो जो भी कैबिनेट खोलना है। और ये घटिया सा हर ग्रैनी गेम के अंदर टॉयलेट तो होता ही है ना, टॉयलेट। ये देखो ये काला काला पेशाब किसने किया है पता नहीं। तो मुझे ये चाबी का यूज करके ये कैबिनेट खोला और मुझे लिफ्ट बटन मिल चुका है जो नीचे यूज करना है। और राइट मुझे यहाँ पे यूज करना है, लेकिन यहाँ पे ग्रैनी जो की खड़ी हुई है, मुझे डर लग रहा है। गाइस डरो मत, डर के आगे ग्रैनी है, चिंता मत करो दोस्तों। क्या मैं जाता हूँ डंडा लेके मार दिया था उसकी टांग, ग्रैनी कैसे पकड़ लेती है मेरे का? कोई बात नहीं, डे वन फिर से शुरू हो चुका है। और इस बार हम लोग ग्रैनी से बच के इसके पीछे पीछे हम लोग जाते हैं एंड इसके पीछे से जो कि कटप्पा की तरह हम लोग भाग जाते हैं। वैसे कटप्पा तो मार देता है लेकिन हम लोग बेचारी को छोड़ रहे हैं, नहीं मार रहे यार, ज्यादा नहीं मारना चाहिए यार, बड़े बुजुर्गों की इज्जत रिस्पेक्ट करनी चाहिए ब्रो। डूड अभी हम लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं एंड इसके बाद राइट गाइस हम लोग नीचे जाने वाले। अब नीचे जल्दी चलना लिफ्ट यार, जल्दी कर यार, कल सुबह मुझे पलवे भी निकलना है यार, पलवे। अबे एक सेकेंड, ये हम लोग किधर आ जाएगा? यहाँ से हमें एस्केप करने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। चलो फिर मुझे यहाँ पे टंबर मिल चुका है, टंबर, और इस टंबर को यहाँ पे लगाना है। ये टंबर बट नंबर जो बटन का नाम है यार, जो क्या करो ऐसा नाम रखते है तो वही बोलूंगा ना। यहाँ पे हम लोग फाइनली यहाँ से इस दरवाजे को खोल सकते हैं। ये बॉय हम लोग इस ग्रैनी 4 के लाइट हाउस से एस्केप कर लिया फाइनली। गाइस हम लोग निकल रहे हैं इस ग्रैनी के जंगल वाले इलाके में, कोई मेरे पीछे बता रहा। देखो मैं बता दे रहा हूँ, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, तुम्हारी गुद्दी फोड़ देंगे, हाँ बैंड बजा देंगे तुम्हारी भैंस की टांग। ये बॉय ओके, तो राइट गाइस हम लोग अब खेल रहे ग्रैनी 5 टाइम टू वेक अप। राइट हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। वही इंसान जो कि पौधे जैसे पूरा दिन सोता रहता है और वो बेड से उठा है। हर गेम में यार इंसान सोता ही रहता है क्या? कमाल है ब्रो, ये मैंने उसको, मुझे यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स में उसको टायर मिला एंड सेकंड एंड थर्ड वाले में कुछ भी नहीं मिला, खाली मिला उसको टायर का यूज होगा। और यहाँ पे मुझे ऊपर वीपन की मिली है और वीपन की का मुझे यहाँ पे यूज करना है। चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं शॉर्ट गन निकालता हूँ। ये वो यहाँ पे काफी जल्दी मिल गए शॉर्ट गन। ए दद्दा दद्दी किधर गए? वेयर आर यू? प्लीज डोंट प्ले मी एट द हाई गाइडेंस। ये ग्रैनी के जो की ऐसा मारा सीधा जगह दीवार गिरे। ए ग्रैंडपा यहाँ पर सोने आएगा? आराम का खा खा के गेंदा टकला गंजा हो गया तू, चल अब दे
वैसे ग्रैंड का के बाल होते हैं, मैं तो कैसा लगता है ये दोनों के बाल होते हैं, टकली ग्रैंड पा, टकला ग्रैंड पा नाम नहीं रख पाते हम लोग। ओके मुझे सेड्रीना की फोटो मिल चुकी है और इस ग्रैंड पा के बाथरूम में चेक करा तो कोई चाम की चीज है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ गंदी बदबू आ रही थी, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। और राइट में यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ फटाफट से, एंड यहाँ पे स्टाफ ओनली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पता नहीं क्या चीज है। ओ यहाँ पे सुपर ग्रैनी को ग्रैनी ने मार मार के टंगा कर दिया है, काम जोड़ की। ओ नो, आग लगा दी यहाँ पे, फायर वाला जगह यहाँ पे लगा दिया है जिससे ग्रेन पर पूरा जल के राम होगा। आग लगा दी। ओ नो, ग्रेनी भी आ रही पीछे, जल्दी ऐसे एस्केप करना पड़ेगा वरना ग्रेनी हमारी बैंड बजा डालेगी ब्रो। ये दरवाजा खोल दिया और यहाँ पे मुझे मिली है पुल की, और पुल की मुझे इस गेट को खोलने के लिए लगाना है, तो चलो फटाफट से इस गेट को खोलते हैं पुल की से। ये बॉय, चलो पुल तो खुल गया, अब इसके अंदर से हमें रूम की हुई है तो हमने खोला था ना। ओके तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे पत्थर जो पुल के ऊपर है ना, वो सारे पत्थर जो कि हटाना है। ये पे चार पत्थर है तो एक एक करके मुझे सारे पत्थर को सबसे पहले हटाना है, और ये ऊपर जो ये कवर है ना उसको भी हटाना है ताकि हम लोग यहाँ पे नीचे पानी जो कि ला सके। ऑलराइट, और ये मैंने हटा दिया लेकिन एक पेन पे डंडा मार दिया। ओह नो, हमारे डे 3 से रोज का है एक और बेकार सा दिन ग्रेनी के उस फायर हाउस में। और ये यहाँ पे मुझे एक जो कि स्विच मिला है, एंड इस स्विच को नीचे यूज करना है। और राइट, ग्रेनी आ रही थी लेकिन मैंने इसको वापस से आग में जला दिया। आग में जलाने के बाद हम लोग यहाँ पे ग्रेन आया था, लेकिन इसकी बैस की टांग ग्रेन पर मुझे ओहो कर रहा था, लेकिन मैंने इसके पेट में मार के नीचे दबा दिया, मार दिया। और यहाँ पर मुझे क्रंक पड़ा हुआ मिला था, तो इसका यूज जो कि ऊपर व नीचे करना है। चलो नीचे पटावत करते हैं, और यहाँ पे जाना है लाइब्रेरी एरिया में और इसके ऊपर जाना है। और ये क्रंक का यूज पता है क्या होगा ना, ऊपर जो आग बढ़ रही थी ना चूल्हे के अंदर, वो आग जो कि बुझ जाएगी, उसके अंदर हमें स्क्रू ड्राइवर का यूज करना है, और उसके अंदर पता नहीं हमें कोई सीक्रेट जगह है। और राइट, इसको गोल घुमाते हैं, चक्के घुमा के, अयो हम इसको घुमाता, अयो उसका दरवाजा खोलता और इसके अंदर जाता, अयो उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाता, अयो स्क्रू ड्राइवर लगाने के बाद हमें यहाँ पे केबल लगाने का, केबल ढूंढो जी, यहाँ पे वायर लगाने का, जैसी चार लगाने की। और राइट, मुझे यहाँ पे ऊपर आया था तो 5168 68 ये कोड मिला है बुक के अंदर से, तो इस कोड को हमें 4 लगाना है। चलो फोन कर लगाते हैं, ए जल्दी इस कोड लगाते हैं, हमारे पता नहीं पिज्जा वगैरह वगैरह। अरे बाबा देवी प्रसाद घर पे है, अभी 10 मिनट पहले ही चल बस है, आपको कुछ बोलना था? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर ये खूब साले। हेलो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, पता नहीं हमारा पिज्जे कब आएगा। और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं हम लोग ऊपर फटाफट से, और ये पता नहीं कौन सी सीक्रेट जगह खुल चुकी है। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा बुड्ढा क्या कर रहा है, यहाँ पे मुतने की तो कोशिश नहीं कर रहा ना। और यहाँ पे मुझे सेल्फीना की फोटो मिल चुकी है, और ये मैं इसका भैंस की टांग कोई नहीं है। चलो रास्ता एकदम साफ दिख रहा है, इसकी भैंस की आँख। चलो अब हम लोग ऊपर चलते हैं, सेल्फीना की फोटो लेके। ये हवा तो देखो, बैठे मजा आ गई, हवा ये मौसम तो देखो, ये बेटे ये देखो, मतलब यहाँ पे ये फोटो यहाँ पे लगाई गई सरी हुई सेवड़ी की, ये देखो इस सेवड़ी की फोटो यहाँ पे लगानी है। सबसे पहले ये बुक मिली है शैतान की, ओके ये शैतान की बुक यहाँ पे लगानी है, और उसके अंदर ये फोटो जो कि सेलरीना की कंप्लीट करनी है, तो इसे 3 पीस और लाना है। और यहाँ पे ऊपर ग्रेनी आई थी लेकिन ग्रेनी को मैंने ये आग में डिस्को करवा करवा के मार दिया। अरे बुढ़ी गई कि हमसे लड़ना मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक भारी पड़ जाएगा। और राइट, मैं स्विच का यूज़ यहाँ पे करता हूँ, मैंने चार चार केबल यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के लगा दी बड़ी मुश्किल से, और स्विच का चालू कर दिया, और यहाँ पे पानी हट गया, और ये मैं पे स्क्रू ड्राइवर लेके आई हूँ। और स्क्रू ड्राइवर का यूज़ क्योंकि यहाँ पे मुझे उस सेलरीना की फोटो ढूंढने के लिए ही करनी थी, तो मुझे यहाँ पे फोटो मिल चुकी है, गटर की अंदर पड़ी है, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है मैं फोटो के अंदर से, सी ले बहुत ज्यादा बंदू आ रही है, चमड़ी की फोटो ले गए ऊपर फटाफट जाते हैं लगाते। और ये 3 फोटो हो चुकी है, अभी एक फोटो नीचे पिज्जा वाली ने देखी गई थी वहां पे लेके आते। ये रही, हमने पिज्जा मंगाया था ना, तो उसने पिज्जा के जगह ये फोटो दे दी। यार मुझे पिज्जा खाने का बड़ा शौक था, लेकिन पिज्जा की जगह ये सभी सेड्रीना की फोटो दे दी। यार अब क्या करें यार, वैसे भी हमें सेड्रीना से इस घर से एस्केप करना तो फोटो की जरूरत तो थी, तो मैंने जाने दिया। और राइट, मैंने फोटो यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे जादू मंत्र छू छू हुआ, अगरम तगरम दवा अप्पल चप्पल चार, टॉयलेट में सुन ले मेरी बात। तो यहाँ पे एक की मिल चुकी है ब्रो, फाइनली हमें वैलेंटाइन की मिल चुकी है, अब इसका नीचे यूज करना है कीड़े फिर के चक्कर ने। ओके तो यहाँ पे हमें वैलेंटाइन का यूज कर दिया है, और यहाँ पे मुझे एक सीढ़ी दिख रही है, तो फटाफट से यहाँ पे नीचे जाता है, और यहाँ पे मुझे 4 बुक्स और 4 पीस चाहिए। अबे यार अच्छा, ये सेंटरीना किधर से आ रही है, छपड़ी गई आ जाती है मेरे को बार बार परेशान करने के लिए। चलो यहाँ पे 4 बुक्स और 4 पीसेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं फटाफट से, यहाँ पे तो नहीं है, कोई बात नहीं है, कूल है फिर, कोई चक्कर ही नहीं है, ये कहीं पे तो होगा ना 4 पीसेस,
पता नहीं चार जो कि जादुई पीसेस ढूंढ रहे हैं। चलो इस डोर को, ये तो नहीं ओपन हो रहा है, और ये डोर ओपन आ रहा है कि नहीं, ये भी नहीं हो रहा। चलो फिर आगे जाते हैं, क्या पता कोई डोर ओपन हो उसके अंदर से हमें चार किताबें मिल जाए, और चार जादुई जो कि किताब मिल जाए। सारी किताबों को हम लोग करेंगे क्या? अच्छा अच्छा, तो नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। अरे अच्छा क्या नहीं छोड़ेगी? और राइट, मुझे यहाँ पे ये डोर ओपन किया, और ग्रैनी क्या कर रही है, रो रही है क्या? यार मैं किसी काम की नहीं हूँ, ये ऐसा बोल के रो रही है ज्यादा। ये मुझे यहाँ पे मुझे एक पीस मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे बुक नहीं मिली है, तो सबसे पहले बुक को ढूंढते हैं। और राइट, यहाँ पे मुझे वन बुक मिल चुकी है, लेकिन ये सेलिना के मेरे को बीच बीच में थप्पड़ मारूंगा, ये सेलिना के बाल पकड़ पकड़ के ये इसको मारूंगा, बता दे रहा हूँ मैं। और राइट, मुझे तीन तीन बुक मिल चुकी है एक साथ, और यहाँ पे सेलिना और अपने बच्चे के साथ यहाँ पे क्या कर रही है, अपना माथा कुट रही है क्या, पता नहीं है। और ये दोनों के दोनों गायब हो गए। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे क्या मिल चुका है, यहाँ पे एक पीस मिल चुका है, और लास्ट वाली बुक भी मिल चुकी है, ये बॉय। और यहाँ से फटाफट से निकलते, और ये लास्ट वाला डोर पर बचा था, और यहाँ पे सेल्ड्रीना खड़ी हुई है। ए सेवड़ी गई की क्या कर रही है, उस टेडी के साथ मत कर कुछ भी। ओ, उसने उस बेचारे टेडी को फेंक दिया जो इसको काफी ज्यादा पसंद था, और इसको फेंकने के बाद हमें लास्ट वाला पीस मिल चुका है, ये क्या बात है। लेकिन बेचारे टेडी की जान गई। ओए अच्छा अच्छा अच्छा, मच्छर नहीं घुसता क्या इसके मुंह में, पूरा दिन खुला रखती है, मच्छर भी खा जाती है वो भी लगता है मुंह के अंदर। ये क्या बात करता है यार। राइट, यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ग्रैन पर ओए ओए ये क्या हो रहा है भाई, आरती वीर आ गया क्या, धरती काम हो गया क्या, ओ भैंस की दाल, ओ भाई बचाओ बचाओ बचाओ, तेरी भैंस क्या क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तो यार थप्पड़ हो जा दूंगा, इसकी पेट गीली कर दूंगा, ये समझती क्या अपने आपको, ये पोटी निकालूंगा इसकी, ये समझ गए। यहाँ पे अर्थ की का क्या, धरती काम हो रहा है यार, मुझे बाहर निकलना है यहाँ से, ऐसे तुम चीटिंग करते हो यार, चीटिंग 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 करते हो यार। ए यार ग्रैंड पा ग्रैनी किधर गई, यहाँ पे ग्रैंड पा ग्रैनी दिख रहे हैं, अर्थ की का क्या। ए भाई यार लिफ्ट चालू हो रही है, लिफ्ट के अंदर हम लोग फटाफट से बैठ चुके हैं दोस्तों, अभी हमें डोर को स्केप करना है, बस हमें चार पीस यहाँ पे डोर पे जाके लगाना है फटाफट से। अरे लेकिन यहाँ पर तो बहुत छोटा खतरनाक धरती काम जा रहा है, कहाँ पे जाना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेस्ट टाइम यहाँ पे डोर है, अच्छा ये मुझको मारना चाहती है, इसके बहुत ज्यादा साजिश करती है ये, जल्दी जल्दी जल्दी, यस मिस्टीरियस डोर को लगा दिया। और ये ए गाना क्यों बजा रहे हैं ये लोग, हु फाइनली हम लोगों ने ग्रैनी फाई को एस्केप कर लिया, बाय बाय दद्दा दद्दी, तेरे सरे में बड़े से ग्रैनी के घर से निकल रहे। ये बहुत ज्यादा बड़ा महल है भाई, देखो तो सही, एक सेकंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ रहे, तैयार कुछ, दद्दी बता मजा कर रहा था, पुचकू मॉन्स्टर है ना, अरे हाँ ये जो वो ग्रैनी चैप्टर 2 में आता है पुचकू मॉन्स्टर, अरे यार ये तो हमें खा जाएगा अगर इसके पास में जाए तो। और तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर जाना है, और ग्रैनी ग्रैंड तो अभी तक दिखे नहीं है, इसकी गेम की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट लग रही है ब्रो। डूड यार मुझे रुस्टी क्रैप की मिल चुकी है जो काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे ग्रैनी ग्रीन पर दीवारों के आर पार हो रहे भाई, ये लोग तो चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, रे मेरे पास भी होनी चाहिए थी ऐसी शक्ति यार, ये लोग ऐसा नहीं हो सकता, इस डोर को ओपन करना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं से नीचे झुक के जाता हूँ तो थोड़ा फास्ट भाग सकता हूँ, वाओ यार ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये ग्रैनी ग्रैंडपा कभी भी किधर भी आ सकते हैं क्योंकि दीवार के आर पार हो रहे हैं दोस्तों। गाइस यार ये बहुत ज्यादा गलत बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी भी करके जीतना तो पड़ेगा डूड, मुझे यहाँ पे चीजें चाहिए। ओके तो मुझे क्रॉबर मिल चुका है, तो क्रॉबर मुझे यहाँ पे नीचे यूज करना है, जो वो पुचकू मॉन्स्टर था ना। एक सेकंड, ये लोग मुझे फिर से मारने के लिए आ रहे हैं, बैक तुम्हारे टकला ग्रैंड पर, तुम मुझको नहीं पकड़ पाओगे, मार मार के इनके पापड़ बना दूंगा, मोड़ बना दूंगा। ओके तो यहाँ पे मैंने इस क्रॉबर का यूज किया नीचे, और यहाँ मुझे एक्सेस कार्ड मिल चुका है, जो ऊपर एक डोर था ना एक्सेस का, वहाँ पे इस कार्ड का शायद यूज करना है। तो चलो फटाफट से ऊपर जाते इस पुचकू मॉन्स्टर से बच के। मेरे को पुचकू मॉन्स्टर बोलते हो, तुम्हारी बैंड बजाता हूँ तुम्हारा गान गापा। ए चले अच्छा, ये ग्रैनी गेट पर किधर गया बे, दिख नहीं रहा बा, ये यहाँ पे रास्ता साफ है क्या रे छपड़ी, जबरा डर देंगे वो भी प्रेम से। अरे ये तो नूब यूट्यूबर है जबरा, तो मैं छोड़ूंगा बनना चूस के। अबे दोनों के दोनों जबरा नहीं ट्रोल पाओगे मेरा, जबरा बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को नूब बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं नूब नहीं हूँ, देखो एक ही बार में पार करके दिखाऊंगा। ये इनको लगता है कि मैं नूब, मैं जी की हर गेम का प्रो प्रो। एक सेकंड, हाँ ये दरवाजा खोल दिया मैंने, ओके यहाँ पे अंधेरा बहुत ज्यादा है, लाइट करनी चालू करते क्या, बिजली का बिल क्या तेरा बाप करेगा। अरे चुप कर गया, नहीं बहुत ज्यादा बोल रही है,
ये ग्रहणी किधर से भी आ सकती है दोस्तों। सादा रहना चाहिए, सख्त रहना चाहिए, ऐसे वक्त में हमें यहाँ से फटाफट से निकलते हैं दोस्तों। ये बॉय ओके तो ये ताला फटाफट से खोलते हैं और यहाँ से हम लोग फाइनली निकल गए। यस ग्रहणी तरफ सिक्स वाले हाउस में आई एस्केपेड। या कम ऑन बॉय ओके तो ये है ग्रहणी सिक्स और अभी हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सांपों वाला जंगल में आ चुके हैं। और ये पता नहीं ग्रैनी ने एक नया घर खरीदा है क्या, इंडियन थीम पे वैसे ही घर लगता है। ए डंडा मार दिया भैंस की टांग। हे टकली ग्रैनी बहुत ज्यादा तेरा टकला फोड़ दूंगा इस बार, बता दे रहा हूँ। ग्रैंडपा की तो मैं पोटी निकाल दूंगा, समझता क्या ग्रैंडपा, यह चड्डी बड्डी पीली कर दूंगा। तो अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखो इंडियन वाला घर ले लिया इस ग्रैनी ने। अच्छा यहाँ पे फूल वूल उगा लिए, ग्रेनी कब से फूल वूल उगाने लगी है, गमले बमले रख दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे सही जगह पे जाना है, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरना, नीचे गिर गए ना तो हमारी कमर बार टूट सकती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जाके बटन को दबाना है क्योंकि हमें यहाँ पे एस्केप करना होगा डोर से। तो डोर को एस्केप करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बटन मुझे मिल चुका है, तो इस बटन को हम लोगों ने दबा दिया और ग्रेनी और ग्रैंडपा हमें नीचे से चूंकि देख रहे हैं लेकिन हमसे उनसे बच बच के यहाँ पे एक और बटन है उसको भी दबा दिया। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाता है, यह छलांग लगा दी बोरो, यहाँ पे ये दोनों के दोनों पीछे आ रहे मेरे। अभी इनसे बच बच के यहाँ पे जाना है, मुझे इस डोर से जाना है लेकिन इसकी डोर की चाबी नहीं है ना दोस्तों, तो चाबी ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे ये क्या है, वॉशिंग मशीन पड़ी है। ये ग्रैनी ग्रैंडपा ने धोबी का मशीन धंधा शुरू कर दिया क्या, सबको यहाँ पे दो दो के यहाँ पे अंदर डाल के धोने का, यहाँ पे रही है हमें धो डालेगी। हमें जल्दी यहाँ से निकला। और यहाँ पे ये कौन सी जगह है भाई, कुर्सी बुर्सी रखी हुई है, बाथटब रखा हुआ है, ये गाड़ी कैसी है बंगार की, हटा ए बड़ो ये गाड़ी मुझे अच्छी चाहिए। एक सेकेंड यहाँ पे एक रास्ता है कूड़ा और अभी हमें शायद इसको खोलना है दोस्तों लेकिन इसकी एक चाबी चाहिए, तो जो भी चाबी हमें यहाँ पे अंदर मिलेगी जो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से हम लोग जा रहे हैं। और ये क्यों रखा हुआ है साइकिल जैसा, ऐसे कोई मरीज बिठाने के लिए रखा है क्या, या फिर हमें मार के इसके अंदर ऊपर बिठाएगी, पता नहीं ब्रो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आगे जाता हूँ और इसको खोलता हूँ। ओ राइट यहाँ पे मुझे चाबी मिल चुकी है और इस चाबी का शायद से यहाँ पे यूज करना है, लेट्स गो ब्रो यूज करते हैं। ओ गाइस यार यहाँ पे मैंने इसको यूज कर दिया और यहाँ पे एक गेट ओपन हो चुका है, चलो इस गेट के अंदर चलते हैं। कोई भी रास्ता एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझको, यहाँ पे देखो एकदम साफ रास्ता है। और यहाँ पे तो वो आएगा ना इसके सेवर स्केप ग्रेनी वन के अंदर जो आता है भाई, वो मोस्टर बहुत खतरनाक है, सुपर ग्रेनी आ जाएगी स्पाइडर वाली भाई, बहुत ज्यादा डेंजरस है। इससे पहले कि सुपर ग्रेनी आ जाए हमें फटक फटक से लाल बटन को दबाना है, लाल टमाटर टमाटर लाल टमाटर। ए यार सॉरी 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 मैं तो मजाक कर रहा था, चुम्मा तो दे दो हमको उधार दे ही दो, ए चुम्मा बुमा नहीं चाहिए। अच्छा एक मिनट यहाँ पे मैंने इस बटन को दबाया, चल मिल गया। ओके तो हम लोगों को वो जो वहां पे चाबी मिल गई, हम लोग मर गए तो हमें चाबी मिल गई थी जिस चाबी का यहाँ पे नीचे सीढ़ियों के नीचे इस वाली जगह पे यूज था, यहाँ पे मैंने खोना देखा था लेकिन यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंडपा मुझको चाबी जो कि लेने नहीं जा रहे, मेन डोर की चाबी यहाँ पे मिल चुकी है लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा हाथों के हमारे पीछे फंस गए। अरे चाबी लेके हम तुझको जाने देने देंगे रे, तेरा जबड़ा टा देंगे वो भी प्रेम से। ए कन्ना चूस का छड्डूंगा नहीं मैं उस कुत्ते को। ए ये दोनों के दोनों मुझको मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पे निकल गया। ग्रैनी यहाँ पे मुंह क्या देख रही है, मच्छर गुस्सा है क्या, बार मत कर रही हो कितनी बार बहुत टकली आ रहे, उसके साथ फाइटर भी देख रहा है, ढोल बज रहे हैं। और ये ग्रैंडपा क्या कर रहा है, डर के मारे ऊपर झुके छुप गया, अगरा है क्या ऊपर जाके। ग्रैनी 7 स्टेप द एंड ओके तो ये है ग्रैनी 8 द मिस्ट्रीज। राइट हमारा एक और सुहाना दिन ग्रैनी के बहुत ही ज्यादा बंगार वाले मिट्टी वाले घर में, या मिट्टी वाली कौन सी जगह है ब्रो। यहाँ पे मुझे टॉर्च मिल चुकी है और इस टॉर्च के साथ इस बटन को दबाना है क्या, पता नहीं। चलो फिर हम लोग आगे जाते हैं, क्या पता हमें कोई चाबी साबी मिले। यहाँ पे मुझे चाबी भी दिख रही है तो उस चाबी को लेके जाता हूँ। ये लाल टमाटर वाली चाबी कहाँ से आ गई पता नहीं, ये चाबी शायद इस डोर को। भैंस की टांग, सुपर ग्रैनी को मार मार के यहाँ पे लटका रहा है बिचारी को, यार बिचारी को मार मार के लटका ही डालते हैं हर गेम में। एक सेकंड मुझे यहाँ पे येलो की मिल चुकी है। ए ग्रैनी आई सी यू मत कर, ए एक सेकंड ब्रो वॉचिंग यू यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे खून की तरह से आ गया अचानक से इतना सारा, वो भी कौन कौन। ये देखो यार केचप बेचप खा के यार तुम लोग यहाँ पे मत फेंको यार, टमाटर वमाटर टमाटो सॉस यार केचप लोग यहाँ पे फेंक दे, कोई नहीं है यार डरो मत बच्चों। ये टेडी है जो कि हल्की राइट नजर भाई मुझसे जल्दी बचाना पड़ेगा यार, ये मेरे पीछे यार है, ये टेडी टेडी के पास जाना है क्या। ए एक सेकंड ये मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ,
पता नहीं यार यहाँ पे ये सेल्ट्री ना, अबे सेल्ट्री ना का हस्बैंड सिलेंडर में नहीं यहाँ पे पड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। यहाँ पे मुझे चार पांच पन्ने बांट ढूंढने हैं, लेकिन ये सेल्टर में इनका सिलेंडर में यहीं पे फिर रहे हैं। भैंस की टांग, हम लोगों ने चार पन्ने यहाँ पे ढूंढ लिए थे, सिलेंडर मैन ने बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारी बैंड बजा डाली थी, लेकिन इस बार भी वो यहीं पे फिर रहा है। मैं चार पन्ने ढूंढ लिया, बस एक पन्ना ढूंढा है, उसके बाद यहाँ से निकलना है, लेकिन सिलेंडर मैन ने देख लिया, बाप बाप अभी हंस हंस के मार रही है, तो अब दांत तोड़ दूंगा तेरी भैंस का पुछड़ा, अब इसकी भैंस की टांग गुद्दी तोड़ दूंगा मैं, बता दे रहा हूँ। समझ तक क्या कुत्ते का पुछड़ा, और यहाँ पे लीवर ऑन करना पड़ेगा वो गेट खोलने के लिए, और ये लीवर मिल चुका है, इसको ऑन करते हैं और यहाँ से फटाफट से एस्केप करते हैं। दोस्तों ये सिलेंडर मैन यहाँ पे नहीं है, चलो रास्ता एकदम साफ है, भाई भाई ये पीछे आ रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जल्दी निकलो ये रास्ता टेढ़ी का मिल गया, और यहाँ से एस्केप करते हैं। यस फाइनली हम लोगों ने ग्रेनी एट को एस्केप कर लिया, और ये सिलेंडर मैन रो रहा है, ये अटैक टकरा गंजे। तो दोस्तों ग्रेनी 9 और 10 का कोई भी जो कि फैनमेड गेम नहीं था, तो इसलिए मैंने खेला ही नहीं। और राइट गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो पे 5000 लाइक गेम कंप्लीट कर दो या फिर 10000, तो हम लोग इसका पार्ट 2 जल्दी लाएंगे, जिसके अंदर हम लोग ओल्ड और अलग अलग तरीके से एस्केप करेंगे और भी गेम्स में लाऊंगा। और तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी टीजी की फैमिली के साथ जुड़ जाओ, और मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।